हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हम लोग नेशनल पार्टी के बारे में देखा था, और आइए इस वीडियो के अंदर देखते हैं हम लोग स्टेट पार्टी की देखते हैं कि कौन कौन सी पार्टियां हैं, बिहार में कितनी पार्टियां हैं इस बार जो स्टेट पार्टियां हैं और बिहार के अंदर चुनाव लड़ेगी, और AIMIM के बारे में भी देखेंगे, और भी कौन कौन सी पार्टियां हैं जो कि और कब कब ईजाद में आई, कहाँ कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे। तो तब तक बने रहें और वीडियो को ज़रूर लाइक कर लें। चलिए शुरू करते हैं आम आदमी पार्टी से। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है ये, आपसे 2012 के अंदर ये ईजाद में आई। जब याद होगा आपको, अन्ना हजारे के साथ ये भूख हड़ताल में बैठे थे रामलीला मैदान के अंदर, वहाँ से ये पार्टी ईजाद के अंदर, लोकपाल बिल से रिलेटेड है ये पार्टियाँ, और दिल्ली और पंजाब में बेसिकली इसका फैला हुआ है अभी तक, और ये स्टेट पार्टियां केजरीवाल के निर्देशन में बनी। अगला जो है AIADMK 1972 में बनी, और ये जो है वो तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरला और कर्नाटका की पार्टी है। आगे चलते हैं हम, ऑल इंडिया फॉरवर्डेड ब्लॉक, ये 1939 के अंदर आया था, और ये वेस्ट बंगाल की पार्टियाँ हैं। आगे चलते हम लोग AIM की, जो कि 1927 में यानी कि आज़ादी से पहले ही ये पार्टी ईजाद में आई, और काफ़ी ज़्यादा सेक्रीफाइसेस भी दी इन्होंने आज़ादी के हैं उसमें, और ये पार्टियाँ अभी तक स्टेट पार्टी के ही है, और बहुत जल्द ये नेशनल पार्टी में शामिल होने वाली है। पहले ये हैदराबाद तक ही लिमिट था, उससे बाहर निकला नहीं है, लेकिन लास्ट तो कुछ सालों में ये बाहर निकल कर पूरे देश के अंदर बहुत तेज़ी के साथ फैल रही है, और अभी ये बिहार के अंदर भी है, अभी ये पंजाब, झारखंड के अंदर भी है, अभी ये वेस्ट बंगाल है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, और तमिलनाडु है, कर्नाटका है। तो अभी ये बहुत तेज़ी के साथ सबसे बड़ी स्टेट पार्टी अगर कही जाए तो यही AIMIM ही है। आगे चलते हम लोग, ANRC ये पार्टी है, ये कहाँ की है, 2011 की बात करें तो आगे, हाँ ये है आपका पुडुचेरी की। अगला चलते हैं AIUDF, 2004 में ये ईजाद में आई, और ये बहुत बड़ी पार्टी है आसाम की, और ये 2000 इनकी कई सारे MLA भी है, मुस्लिम पार्टी है ये, और बहुत खूबसूरत और बड़ी पार्टी होने जा रही है बहुत जल्दी। AZSU की पार्टी की बात करें, 1986 के अंदर ईजाद में आई। AGP ये पार्टी 1985 के अंदर ईजाद में आई, और ये झारखंड और आजसू झारखंड की है, और ये वाला जो पार्टियाँ हैं ये उड़ीसा की, आसाम की है। इसी तरह हम लोग चलते हैं, आप देख सकते हैं BJD के पार्टी BPF का 1985 के अंदर, DMDK 2005 के अंदर, DMK 1949 के अंदर ईजाद में आई, GFP 2016 के अंदर, HSPDP ये 1968 के अंदर, INLD 1999 के अंदर, IUML 1948 के अंदर, IPFT ये 2009 के अंदर ये पार्टी ईजाद में आई। इसी तरह आप देख सकते हैं कि JNK जम्मू कश्मीर है, ये भी जम्मू कश्मीर है, ये भी जम्मू कश्मीर की पार्टियां हैं, और ये JCC जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की पार्टी है, 2016 के अंदर ईजाद में आई, और ZS ये 1999 के अंदर, जनता दल सेक्युलर पार्टी है ये, अगर हम लोग बात करें तो ये अरुणाचल और कर्नाटका की पार्टियां हैं। उसके बाद चलते हैं जनता दल यूनाइटेड, आप देख सकते हैं नीतीश की पार्टी है ये, 1999 के अंदर ये ईजाद में आई, और ये पार्टी अभी फ़िलहाल जो है अरुणाचल प्रदेश और बिहार के अंदर ही है, और ये स्टेट पार्टी ही है। आगे चलते हैं हम लोग JJP 2018 की बात करते हैं, तो 2018 की हरियाणा की पार्टी है। JMM आप देख सकते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये फ़िलहाल 1972 में ईजाद में आई, और इस बार इसकी सरकार भी बनी झारखंड के अंदर, हेमंत सोरेन की पार्टी है ये। JVM की बात करते हैं 2016 की, तो अब ये भी झारखंड की पार्टी है, अभी तो बहुत कुछ हो गया इसके अंदर, जबकि इसका जो फाउंडर था बाबूलाल मरांडी वो BJP के साथ मिल गया। तो KCM की पार्टी, LJP की पार्टी आप देख सकते हैं, आप देख 2000 के अंदर आई रामविलास की पार्टी, MNS 2006 के अंदर, MGP आप देख सकते हैं 1963 के अंदर, और MNF 1959 के अंदर, MPC 1972 के अंदर ये पार्टी ईजाद के अंदर आई। इसके अलावा आप चलते हैं जल्दी से, NPF 2002, NDPP 2018, PMK 1989, PDA 2012, PDF और ये है 2017 की पार्टी है, PPA 1987 की, RJD आप जो के देख सकते हैं राष्ट्रीय जनता दल 1997 की ये पार्टी है, बिहार की पार्टी है और झारखंड की पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल 1997 के अंदर तेजस्वी की पार्टी फिलहाल, और आप सकते हैं RLD 1998 के अंदर ये ईजाद में आई। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये
RLSP 2013, RLP 2018, RSP 1940, SP 1992 के अंदर समाजवादी पार्टी, आप देख सकते हैं 1992 की पार्टी है ये, SAD 1920, SS यानी कि शिवसेना 1966 की पार्टी है ये, और ये भी स्टेट पार्टी है, SDF 1993 की, SKM 2013 की पार्टी है ये, और TRS 2001 की यानी कि तेलंगाना का जिसका सरकार है अभी उसका 2001 के अंदर बना है। इसके अलावा आप देख सकते हैं TDF 1982 की है, UDP 1972 की है, और इसी तरह YSRCP 2011 की है, ZNP 1997 की है। तो ये कुछ पार्टियां थी जो स्टेट पार्टियां हैं। बड़ी पार्टियां में से अगर देखा जाए तो चंद गिने चुने पार्टियां हैं, उनमें से AIM की है अभी फ़िलहाल जो सबसे आगे रेस में है, जो कि बहुत जल्द बड़ी पार्टी और नेशनल पार्टी बनने वाली है बिहार के अंदर कई सारे सीटें जीत कर। तो आप क्या कहते हैं वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।